ठीक है, किसी एक पर्सन ने वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ टू स्टडी 17 आवर्स ए डे, कैसे 17 घंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए। ठीक है, उसका एक आंसर एक लड़के ने दिया हुआ था। ठीक है, मुझे उनका नाम भी भूल चुका है, मुझसे एज में कम से कम वो 10 साल छोटे होंगे, मेरे वो स्टूडेंट भी नहीं है, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है उनसे, बट उनका आंसर पढ़ के मैं एज ए टीचर बहुत मोटिवेट हुआ। उन पर्सन की स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरी प्रॉब्लम है मैं नाम भूल जाता हूँ, शायद उनका नाम संदीप था बट मुझे नाम याद नहीं है। वो आज से 6-7 साल पहले IIT बॉम्बे में PhD कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरा BTech पास आउट हुआ था, मेरा कहीं पर भी अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, मेरी जॉब लग गई थी, मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी करता हूँ। ठीक, मेरा सिटिंग आवर्स जो हैं वो बहुत कम थे, मैंने देखा कि घर पर मतलब कि मैं या तो पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, ड्रॉप लिया था मैंने ऑब्वियसली, ठीक है, या तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाता हूँ, और अगर पढ़ाई करता भी हूँ तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ठीक, तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं ना अपना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ घर के पास, ठीक है, और मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक, कह रहे मैं पहले दिन लाइब्रेरी गया और सारा दिन पढ़ने की कोशिश करी, मैंने ये देखा कि मेरी एफिशिएंसी पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे की थी, पूरे 2 घंटे की, यानी कि 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करी तो सिर्फ कितने घंटे पढ़ पाया, एफिशिएंसी से सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाया। ठीक है, मेरे माँ बाप भी मुझे डांटते रहते थे, स्पेशल उन्होंने रेफरेंस अपनी मदर का दिया हुआ था, मेरी मम्मी भी मुझे डांटती रहती थी कि तूने ड्रॉप ले लिया, तूने अपनी जॉब छोड़ दी और देख ले आज क्या हालत है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ता है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ा, कह रहा फिर मैंने धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू किया, जब तक 1.5-2 महीना बीता तब तक मेरी वो जो एफिशिएंसी थी, मैं सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में रहता था। ठीक है, सुबह लगभग 10 बजे के करीब, शाम को लगभग 7 बजे के करीब वापस आ जाता था, मैंने देखा मेरी एफिशिएंसी जो है वो 4-4.5 आवर्स 5 आवर्स के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर मैंने ये सोचा, सितंबर अक्टूबर आ चुका था, तब तक गेट का एग्जाम फरवरी के आसपास होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, घर बैठ के तैयारी कर रहा था ऑब्वियसली मैं, ठीक है, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे डिपेंड, मैं किसी नेशनल इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अक्टूबर के एंड में मेरा पहला टेस्ट हुआ वहां पर, और ऑब्वियसली तब तक एफिशिएंसी बढ़ बढ़ के थोड़ी थोड़ी 7-8-9 घंटे तक शायद आ चुकी थी। मैंने अपना पहला टेस्ट दिया, उसका जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत ही खराब मार्क्स आए थे, बहुत ही खराब मार्क्स। जब मैंने उसका रिजल्ट लाइब्रेरी में देखा तो मैं रोने लग पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को मेहनत करते हुए अभी 3-4 महीने हो चुके थे, धीरे धीरे मेरा लेवल भी बढ़ चुका था, मैंने 2 घंटे से शुरू किया था, आज मैं 7-8 घंटे में था, बट रिजल्ट क्या था? 0। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस दिन से लेके दिवाली आने वाली थी लगभग फरवरी तक, ठीक है, मैंने अपने आप को वॉर जोन में कन्वर्ट किया कि अब ये वॉर है, आइदर डू और डाई सिचुएशन है। मैंने धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाना और शुरू किया। मेरा पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि दिवाली आई, भैया दूज आया, कोई और सारे त्योहार आए, मैं अकेला पर्सन था जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होता था। एक ऐसा समय भी आया जो लाइब्रेरी के ओनर थे, उन्होंने मुझे अपनी कीज दे दी थी लाइब्रेरी की। क्यों? क्योंकि अब मैं सुबह 7 बजे वहां जाता था और कभी कभी रात को 12-1-2 बजे वहां से वापस आता था, तो कीज मेरे पास थी। मैं ही वो पर्सन था जो रात को लाइब्रेरी को बंद करता था, मैं ही वो पर्सन था जो सबसे पहले लाइब्रेरी को आके खोलता था। सॉरी यार, तो जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि जो मेरी माँ मुझे आज से 5-6 महीने पहले कहा करती थी कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, तुमने ड्रॉप ईयर लिया, तुमने अपनी जॉब छोड़ी है, आज वही मेरी माँ मुझे कहती थी कि शायद इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और ये पर्सन जो है पता नहीं क्या हो गया, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता है, ना किसी दोस्त से बात करता है, सिर्फ लाइब्रेरी से घर और घर से लाइब्रेरी जाता है। ठीक है, धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया था कि जब मैं पिछले लास्ट के 2-3 महीने मैं 17 घंटे तक उस लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था। ठीक है, एक ऐसा समय आया कि उस जगह के जो म्युनिसिपल काउंसलर थे
उनको भी बुलाया गया, कोई लाइब्रेरी का कुछ उद्घाटन वगैरह था या कोई फंक्शन था, और मुझे स्पेशली मिलवाया गया कि ये हमारे यहाँ का एरिया का बच्चा है और ये लाइब्रेरी को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1-2 बजे तक यूज करता है, ठीक है। फिर मेरा फरवरी में रिजल्ट आया और रिजल्ट में बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ था और लिखना भी नहीं चाहिए, ये आप भी उस बात को जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब लोग डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा क्योंकि वो आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली वो उसी पाथ से निकले होंगे, बट मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने रिजल्ट अपना नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये जर्नी है जो एक इंसान को बनाती है, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं। तो होप सो आप भी अपने आप को पुश मारेंगे, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, ठीक है। मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में तो सफल हो गए होंगे। एग्जाम से भी ज्यादा मैटर करता है जिंदगी में सफल होना, और मुझे लगता है कि वो जरूर आप होंगे, ठीक है।